ये आप देख लें, जितने भी हमारे वेंडर हजरात खड़े हुए हैं हमारे पास स्टालों पे काम करने वाले, सब के सब परेशान और बेरोजगार हैं। ऐसा हुआ है, अभी 10 मिनट पहले कोई आया था बांटने के लिए, उसने माल रखा, उसने कहा सब एक एक जना आओ, बाहर वाले आए, अंदर दरवाजा तोड़ा, खोल के जोरी दो दो चार चार कट्टे उठा के चले गए। बस अब क्या बताएं, तो आप जो है मेहरबानी करके हमारी परेशानियों को देखें, हमारा जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट है उसके साथ रابطہ करें और हम लोगों की मदद करें। जैसे आप लोग कुलियों की इमदाद कर रहे हैं, ऐसे हमारे सुपरिटेंडेंट को हमारी जो भी आप इमदाद कर सकते हैं वो दें, ताकि वो हमारे में तकसीम करें और हम भी कुछ सुख का चैन लें। सैलाबी सूरत हाल के 22 ट्रेनों का निजाम मुअत्तल होने के बाद जहाँ रेलवे स्टेशन पर कुलियों की मुश्किल में इजाफा हो गया है, वहीं पर रेलवे स्टेशन पर मौजूद स्टॉल्स के मालिकान और उनके पास काम करने वाले मजदूरों के घरों के चूल्हे भी ठंडे हो गए हैं। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। स्टेशन पर मौजूद स्टॉल्स कई रोज से बंद हैं और इन पर काम करने वाले अफराद बेरोजगार हो गए हैं और कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि स्टॉल्स मालिकान भी शदीद परेशान हैं और मुश्किलात से दो चार हैं। स्टॉल्स मालिकान और काम करने वाले अफराद का कहना है कि किसी ने भी अब तक उनकी मदद नहीं की है और उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 26 अगस्त जब से ये ट्रेन बंद हुई है बरसात के हवाले से और सैलाब की, उससे ये आप देख लें, जितने भी हमारे वेंडर हजरात खड़े हुए हैं हमारे पास स्टॉलों पे काम करने वाले, सब के सब परेशान और बेरोजगार हैं। हम मुखियर हजरात से अपील करते हैं, थोड़ा सा कुलियों के साथ साथ इनका भी ख्याल किया जाए, इनकी भी इमदाद की जाए और जिसने भी इमदाद करनी है या जो भी स्टॉल के वेंडरों के लिए काम करना है वो हमारे कॉम्पिटेंट जो स्टेशन अथॉरिटी है, स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब, उनसे रब्ता करें और उनके तवसर से जो है ना इनकी माली इमदाद या जो भी है राशन वगैरह इनमें तकसीम किया जाए। और ये सब के सब बेरोजगार हैं और परेशान हाल हैं। जो ताजिर बिरादरी थी वो इधर स्टॉल के वेंडरों की इमदाद करने के लिए आए थे, तो इधर बाहर के कुछ लोगों ने और उसमें बदनज़मी फैला दी, इसलिए हम यही अर्ज करना चाहेंगे ताजर बिरादरी से और मुखैर हजरात से कि वो जो है स्टेशन सुपरिटेंडेंट से रब्ता करके स्टॉल के वेंडरों का जो है ना तआवुन कराएं। हम यहाँ पे स्टेशन के स्टॉल पे चाय वगैरह बेचते हैं, अब वो स्टॉल जब से बंद हुए हैं, गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, जब से हम बड़े परेशान हैं। हमारे घर में ना चूल्हा चलता है ना हम कोई हमारे को उधार देने वाला है। हम बराए मेहरबानी ये चाहते हैं कि जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए वहाँ रब्बिल आलमीन उनको नेकी के रास्ते पे हमारी कुछ मदद करने के लिए भेज, नहीं हमारे पास नहीं पहुँच रहा, जितना भी माल आ रहा है कुली ले जा रहे हैं, बाहर वालों को जितने भी आ रहे हैं वो ले जा रहे हैं। बड़े साहब अभी हम जो लेने के लिए खड़े थे कि ये एक एक करके बुलाएंगे या दो दो, वो वैसे के वैसे यहाँ सब जमा हो ऐसे ही पड़े, किसी को कुछ नहीं मिला। अब जो भी आपने देना है हमारी मदद करके स्टेशन मास्टर सुपरिटेंडेंट को उसके हवाले करके वो हमें बुला लेगा और हमारी मदद हो जाएगी। हमारी लिस्टें बनी हुई हैं, हमारी लिस्टों में नाम है और वेंडरों के, लेकिन फिर भी कोई हमारी नहीं सुन रहा। इसलिए बेरोजगारी के होते हुए भी पाकिस्तान रेलवे ने जो हमारे को हुक्म दिया कि आप स्टॉलों के किराए बढ़ाएं, हमने वो भी बदस्तूर जनाब अला गवर्नमेंट का हुक्म माना और हमने जनाब अला अपने किराएजात भी जो है रेलवे को जमा करवाए हैं। लिहाजा मेहरबानी करें, जितने भी बड़े हजरात हैं वो हमारी इमदाद करें। ये जो स्टॉलों पर काम करते हैं ये बेचारे बड़े मजबूर हुए हुए हैं इस टाइम। जैसे आप लोग कुलियों की इमदाद कर रहे हैं, ऐसे हमारे सुपरिटेंडेंट को हमारी जो भी आप इमदाद कर सकते हैं वो दें, ताकि वो हमारे में तकसीम करें और हम भी कुछ सुख का चैन लें। बड़े हजरात हमारी इमदाद करना चाहते हैं, वो उनसे राबता करें और वो हमारे तक रसाई हो जाएगी और हमें वो हमारे हकूक या जो भी हमारे को देंगे वो हम तक पहुँच जाएगा। भाई ये गाड़ियाँ जब से बंद हुई हैं हम बहुत मजबूर हैं, तो मेहरबानी करके हम लोगों की, गरीब लोगों की, वेंडरों की जो है इमदाद की जाए। जब से गाड़ियां बंद हुई हैं हम सब परेशान हैं और अभी बस अब क्या बताएं, तो आप जो है मेहरबानी करके हमारी परेशानियों को देखें, हमारा जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट है उसके साथ रابطہ करें और हम लोगों की मदद करें।